दो सूत्री मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के नरमू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यांत्रिक कारखाने से जुलूस निकालकर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए रेलवे महाप्रबंधक को एक ज्ञापन प्रेषित किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार रेलवे के कई विभागों को बंद करने की फिराक में है तथा उसका निजीकरण करना चाहती है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता ने कहा, जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया रेलवे में जिंदाबाद, सरेंडर वापस हो, सरेंडर वापस हो, खाली जगहों को जल्द भरो, कांग्रेस के गुप्ता जिंदाबाद। इंडिया रेमेश्वर के असिस्टेंट यूनिवर्सिटी, आज जीएम को एक ज्ञापन दिया गया, उसमें दो पॉइंट। एक पॉइंट है कि यहाँ 444 पोस्ट सरेंडर कर दिया गया, जिसमें मोस्टली लोग प्रमोशन पाने वाले थे, और जो क्लर्क्स, दूसरा पॉइंट था जो क्लर्क्स से हमारे मित्र आते जाते उनको एक बैग बंद कर दिया गया। ये चेंज क्लर्क तो BMW के ज़माने से स्टार्ट हुआ, जो बाबू गाड़ी के नाम से था, वर्कमैन ट्रेन के नाम से था, और चलता रहा है, लेकिन अब एक बैगलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया। तो ये दो पॉइंटें वहाँ रखी गई है। इन पॉइंटों में सब आर्गूमेंट देने के बाद GM के संज्ञान में तरह तरह डालने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया है कि हम इसको देखते हैं कैसे इसमें हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि उनका इंटेंशन है कि हम प्रमोशन, जो प्रमोट हो चुके हैं या प्रमोशन पाने वाले, उनमें हम बाधक नहीं हैं, उसमें हम बाधक नहीं हैं, उसमें हम बाधक नहीं हैं। लेकिन बहुत से सर्कमस्टांसेस जिसमें देखने के बाद अपने तरफ से एक नया पॉइंट भी दिया गया है, जो वो कंसीडर करने के एस्पेक्ट पे हैं। क्लर्क चेंज वाले उनका कि अभी ये पॉइंट हमने अभी कभी हमारे लाइफ में नहीं आया है, वो हम संज्ञान में आपने डाला है, इसको हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, जिसमें जो रिलीफ संभव हो सकता है देने की कोशिश करें, यही है।